रिदी ये है होटल जहाँ हम लोग ठहरा हुआ है, ये हाईवे है, मेन हाईवे। जब आप टेंगावाली से आता है तो ये पर्स होटल है। दोस्तों व्यूअर्स, ये है गवर्नमेंट मॉडल डिग्री कॉलेज बोमदिला, जो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। बहुत दूर है, लगभग 2 किलोमीटर दूर है इससे, जहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ। और आपको वहाँ उस तो वहाँ तक तो पहुँचने के लिए वहाँ से अपनाना पड़ेगा रास्ता। तो मैं अगर जूम को जूम आउट किया जाएगा तो आपका लुक्स इतना दूर है, ये इतना दूर है, इतना दूर है। पेपर वहाँ से आता है, वहाँ से और यहाँ से सीधा होकर उसके यहाँ बोमदिला शहर पहुँच जाता है। इसके बाद तवंग वो उस हिल से निकल जाता है और कॉलेज मैंने जो आपको दिखाया वो है। इसके बाद इस रास्ता से ऐसे घूम घूम के बोमदिला शहर पहुँचेगा। चलिए देखते चलते हैं। तुम यहाँ से टाउन है, अभी हम लोग यहाँ में ब्रेकफास्ट करेगा एक होटल में, उसके बाद पूरा देखेगा क्या क्या है। बिना देख पाओ इसको। चस्ते देना है। तो पूरा हिली एरिया है, प्लेन एरिया थोड़ा भी नहीं है। हाईवे बनाने के लिए जगह बहुत कम है। तो एक होटल देखो जहाँ मैं प्रपोज करना है, ये सही रहेगा क्या? ये है तेल डिपो का सामने में एक आर्यन होटल है, यहाँ पूरा रेस्ट करूँगा। ये पेट्रोल पंप है, पेट्रोल डिपो। मोमदिला में सिर्फ एक ही पेट्रोल पंप है, वो है। और ये बाजार की तरफ निकलते हैं, मेन मार्केट। बोमदिला पुलिस स्टेशन। पूजा है वो लोग का कुछ कुछ।
वरुण देखो तुम तेरा बता अब आज क्या चल रहा है वीडियो में अभी बमदिला में बमदिला मोनेस्ट्री कुछ कॉन्फ्रेंस चल रहा है यहाँ बहुत भीड़ भर है से निकल गया अभी व्यू पॉइंट जा रहे व्यू पॉइंट बमदिला को पूरा देखेगा दोस्तों ये है आपका दिनाली जो नया एक बाईपास बनाया गया है जो आप तवंग जाते हैं तो सेपा से सीधा
या वहाँ से आते हैं तो बमदिला टाउन गुजारना आना नहीं चाहता है तो आप इस बाय पर देखो, इस बाईपास से आप सीधा आ सकते हैं। लेकिन तवांग जाना है तो इसका आप लेफ्ट साइड, इस तरफ लेफ्ट साइड इस तरफ जाना है। तो ये है एक वो तवांग रोड, यहाँ एक रेस्ट प्लेस है, यहाँ थोड़ा चाय पी लेते हैं और इसके बाद आपको दिखाऊंगा बमदिला व्यू पॉइंट। हेलो व्यूअर्स, मैं आज उसी जगह में हूँ बमदिला व्यू पॉइंट्स, और ये तिनाली है जो आपका सीधा कॉलेज से होके रूपा से होके आने वाला है। इसके बाद वो ये है तिनाली जो तवांग जाने के लिए सीधा, यहाँ से लगभग 180-190 किलोमीटर, अराउंड 200 किलोमीटर, एंड बमदिला इस तरफ इस तिनाली से सीधा चला जाता है और ये बमदिला शहर सीधा पहुँचता है। आगे इस रास्ता को इस्तेमाल करता था और इसके बाद ये नया कनेक्शन बनाया गया है जो इसके लिए बाईपास, जो बमदिला टाउन में घुसना नहीं चाहता है वो सीधा यहाँ से आ जाता है इस रास्ता से। तो ये है बमदिला व्यू पॉइंट्स और तांदा ज़्यादा चल रहा है अभी, समय है लगभग 1 बज गया है और हवा ऐसे होता है इसमें यहाँ। तो थैंक यू, तो उस तरफ वहाँ दिखाइए व्यू पॉइंट्स। अभी हम लोग कॉलेज देखने जा रहे हैं, कॉलेज को देखते हैं कॉलेज कैसे है। Cheers. पहला पी लेते इसके बाद बताता है। ये है बमदिला शहर और वो जो घर बनाया गया है टॉप ऑफ द माउंटेन, टॉप ऑफ द हिल, ये देखिए कितना तंदा होगा, एग्जैक्टली पहाड़ का टॉप ऑफ द हिल बनाया गया है। इसके बाद अगर मैं इसे जूम आउट करता है तो आप सोच सकता है कितना दूर है। तो इस तरह है, ये है आपका बमदिला शहर और वो जो एक बिल्डिंग दिखाई देता है वो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। जैसे आपको पता है अरुणाचल प्रदेश में अपतर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एक कॉलेज होता है, मॉडल डिग्री कॉलेज होता है, वो रूसा का अंदर इस्टेब्लिश किया जाता है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान होता है। इसके बाद एक है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अंडर स्टेट गवर्नमेंट, ये अंडर स्टेट गवर्नमेंट में आता है। इसके बाद फिर मैं बता दूँ, ये है आपका बाईपास जो बमदिला से आने वाला, बमदिला आने वाला जो हाईवे है, रास्ता है, जो वो रास्ता देख रहे हैं उससे सीधा वहाँ से आ जाता है, जिगजग करते हुए शहर पहुँच जाता है। अभी बोरो ने क्या किया, बोरो ने, बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ एक शॉर्टकट बनाया गया है, बाईपास कहते हैं, जो कॉलेज का उस तरफ से निकाल के सीधा यहाँ आ जाता है यहाँ से। और ये तिनाली जो, सॉरी, ये बाईपास रास्ता, तो सड़क जो सीधा वहाँ निकल जाता है उस तिनाली पे, जहाँ जो आपको तवांग दिरंग जाने के लिए है, और वो है ट्री जंक्चर जो बमदिला से आने वाला सड़क वहाँ आता है और उसमें है जो मैंने आपको आगे बताया है। तो दोस्तों आप भी ट्रैवल कर सकता है ये रास्ता के लिए, अभी सड़क के लिए आप बिल्कुल ना चिंता करें, कंप्लीट हाईवे तवांग तो पहुंच गया है और अब टू व्हीलर के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और फोर व्हीलर तो और अच्छा है, हाईवे कंप्लीट बन चुका है तो आप भी समय लेके विजिट कर सकता है। अभी कॉलेज को देखते हैं। बमदिला में ज़्यादा ये कैबेज का गार्डनिंग होता है, वो बमदिला शहर है और इस तरफ आपको ज़्यादा ये कैबेज का गार्डनिंग दिखाई देगा, वो भी कैबेज का ये है। और यहाँ जो सप्लाई कहाँ कहाँ होता है पता नहीं, इस वक्त
कारी का रास्ता में सड़क में सड़क के किनारे किनारे में पूरा बर्ती लेके रखा है। दोस्तों ये है आपका बोमदिला का केवेज। इस तरह प्रोडक्शन बहुत बढ़िया रहता है यहाँ। तो इनका बगान यहाँ आसपास में है, देखिए कितना प्रोडक्शन बढ़िया है। मुझे देख के दिल खुश हुआ पूरा। भाई इसका सप्लाई कहाँ कहाँ में होता है? असम ले जा रहा है अभी हा? इसको असम ले जा रहा है? ओ, ओ पार किसी किसे दे रहे हैं आप लोग इसका अभी? अभी ओ देखिए इसका सप्लाई होता है असम में। वाह दिल खुश हुआ भाई। तंदा लग रहा है आपका बोमदिला? ज़्यादा तंदा है ना? ठीक है अमर, तुम भी जाते जब मैं एक बस्ता लेके जाओ रे खरीद के। जरूर ले जाएगा, जरूर ले जाएगा। खुश हुआ इतना प्रोडक्शन, बढ़िया प्रोडक्शन देखे। तो आप भी बोमदिला विजिट करेगा तो जरूर कुछ ना कुछ खरीद के लेके चलिए यहाँ से। हम लोग वहाँ से आए हैं, वो रास्ता से घूर घूर के आया है। तेंगा यहाँ से 24 किलोमीटर। कॉलेज टीचर एसोसिएशन का मीटिंग हुआ था। ये बैनर से पता चला है रास्ता क्लियर नहीं हुआ। वे टू गर्ल्स हॉस्टल। लेफ्ट लेना है कॉलेज के लिए। ये है कॉलेज। गाड़ी वहां पार्किंग कर दिया। और ये है गवर्नमेंट कॉलेज बोमदिला। नेक एक्रेडिटेड है। फर्स्ट साइकिल में इनको बी ग्रेड मिला गया था और सेकंड साइकिल में भी सेम बी ग्रेड मिला गया था। एंड दिस वन इज सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। और दूर से ऐसा लगता है दिस इज पार्किंग प्लेस। ये पार्किंग प्लेस है, वहाँ से आया था, वहाँ से भी आ सकता है। और बोमदिला शहर जो वहाँ है, बट दैट इज नॉट एग्जैक्टली बोमदिला टाउन, दैट इज न्यू बोमदिला। वो न्यू बोमदिला है। और जो बोमदिला मार्केट मेन मार्केट और ओल्ड बोमदिला जो है यहाँ है, जो इस पहाड़ के उस तरफ है, डाउन में है या बोलो उस तरफ है, ये जो है आपका हिली रीजन है कम्प्लीटली। और ऊपर से उस पहाड़ों तक मकान बनाना कर शुरू कर दिया है। तो चेक चलिए तो कॉलेज अंदर जाके देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक गवर्नमेंट कॉलेज बोमदिला, पिन नंबर 7900001, अरुणाचल प्रदेश। सिंस आज डेटा गेट बंद है, लेकिन मैं बाहर से दिखाता हूँ आपको। एंट्रेंस इस तरह है। जो इसका डिटेल से आप पोस्ट करके देख सकते हैं। कोविड प्रोटोकॉल्स दिस इज ग्राउंड फ्लोर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। प्रिंसिपल्स का रूम यहाँ है, फर्स्ट फ्लोर में है। और वो है एकेडमिक ब्लॉक, जितना क्लासेस है इसका अंदर में है। एग्जाम सेल्स, प्रिंसिपल चैम्बर, नेक, रोसा सेल, एवरीथिंग इस एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के अंदर में है। एंड जितना क्लासेस है इस एकेडमिक ब्लॉक के अंदर में है। चलिए गेट खोला है, दैट मीन्स कुछ केयर टेकर जरूर अंदर होगा।
तो तुरंत आपको दिखाने के लिए कोशिश करता है। रूम नंबर 5 क्लासरूम। रूम नंबर 2 जो कि अंदर तो घुस के नहीं दिखाऊंगा जो खुला नहीं है। रूम नंबर 1 रूम नंबर 6 to 9 टॉप फ्लोर में है। रूम नंबर 1 to 5 ग्राउंड फ्लोर में है, वहाँ ऊपर भी। एंड दिस इज एंट्रेंस। इस तरह वहाँ से स्टूडेंट लोग आता है, शॉर्टकट जो रास्ता है। इसके बाद यहाँ भी एक रूम है, यहाँ भी एक रूम है, सब क्लोज है। क्लॉक रूम, ये भी जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए है। चलिए दोस्तों ऊपर जाके दिखाते हैं, अगर कोई केयर टेकर हो तो अच्छा था और उसका डिटेल्स बताने के लिए, लेकिन शायद कोई है कि नहीं। एक क्लासरूम तो पाया गया तो खुला हुआ था, दैट मीन्स कोई कुछ तो ज़रूर है प्यून वगैरह। एंड ये है आपका रिमोट सेंसिंग एंड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स लेबोरेटरी डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी। वॉल इज सेंटर अंडर रोसा। रूम नंबर 9, 10, 8 सब यहाँ है। ये भी खोला हुआ है लेकिन मैं अंदर नहीं प्रवेश करूँगा क्योंकि कोई दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ। अगर कोई होता तो अच्छा था, होती तो अच्छा था। ये भी खोला हुआ है लेकिन अंदर नहीं। और सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, बहुत बढ़िया है। जैसे स्टूडेंट अंदर चलते हैं तभी सर बाहर से ही अच्छे से देख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए है टेरेस। और ये एक गेट है यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और ये एकेडमिक ब्लॉक को जोड़ने वाला ये गेट लॉक है। वो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, ऑफिस है बंद है। ये टेरेस है, शायद यहाँ कोई चौकीदार मिल जाए। वो बमदिला शहर। ओहो, अनफॉर्चुनेटली किसी को नहीं मिला, पूरा टेरेस खाली है मेरे भाई। हम ये टेरेस पूरा खाली है। एनीवे एटलीस्ट आपको दिखा दिया गवर्नमेंट कॉलेज बमदिला, न्यू बमदिला एंड ओल्ड बमदिला यहाँ है जो मैंने आगे बताया उस पहाड़ के अंदर में है। तो कॉलेज है ये, आई थिंक अगर उस रास्ता से चलो तो 5 किलोमीटर तो ज़रूर होगा मेरा ख्याल से। इसके बाद उस तरफ से आता है तो आपको कम से कम वहाँ से भी 5 किलोमीटर तो होगा। लेकिन सुना है एक स्टूडेंट से उस शहर से लेके यहाँ एक बस है, कॉलेज का बस, वो लोग वहाँ से बस में बैठ के आ जाता है और बस उन्हें यहाँ तक लेके आता है इस तरफ। ये एकेडमिक ब्लॉक है, इसके जस्ट ऊपर में वो पहुँचता है, बस पहुँचता है, बस वहाँ रुकता है एंड स्टूडेंट वहाँ से यहाँ पैदल आता है इस एकेडमिक ब्लॉक पे। तो इस तरह उसका डेली क्लासेस चलता है। इसके बाद टीचर्स लोग जो गाड़ी लेके वहाँ से आ जाता है, जैसे मैंने अभी आगे में आपको दिखाया था एंट्रेंस है, उस एंट्रेंस से घुस के ग्राउंड है प्ले ग्राउंड, उससे होके गर्ल हॉस्टल होके यहाँ आ जाता है।
बोमदिला में है और न्यू बोमदिला आपको दिखाऊंगा। ये है आईबी पीडब्ल्यूडी आईबी ऊपर में सर्किट हाउस और इसमें आपको मिलेगा टूरिस्ट लॉज, पुलिस स्टेशन बोमदिला, ऐसे बोमदिला में गेस्ट हाउस तो दुनिया भर के हैं, लॉज होटल, लेकिन पार्किंग प्रॉब्लम बहुत प्रॉब्लम है। ये भी एक होटल ला है, सीधा रास्ता का किनार में है, पार्किंग प्लेस नहीं है। ये है ग्राउंड जो अभी आप देख रहे हैं राइट साइड में, ये है ग्राउंड। दोस्तों ये है न्यू बोमदिला से ओल्ड बोमदिला को ऐसे दिखाई देता है। और वो सबसे बड़ा बिल्डिंग जो दिखाई दे रहा है वो है मेडिकल, न्यूली कंस्ट्रक्टिंग कर रहा है। ये है न्यू बोमदिला जो सब चीज नया नया एस्टेब्लिश कर रहा है। लुक्स जस्ट लाइक, ये है न्यू बोमदिला, इसके बाद कॉलेज है वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बोमदिला, और वो है मेन सड़क हाईवे, वहां से आता है। इसके बाद